क्रीम को अप्लाई करने के बाद स्किन श्रेड होती है, अंडर आई की एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। प्लस लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। अच्छी है, वर्क भी करती है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो जब से मैंने आइसोट्रिटिनोइन पे वीडियो शेयर किया है तब से मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि ट्रेटिनो क्रीम हमारी स्किन पे कैसे वर्क करती है, क्या ये एक्ने, पिंपल, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स को दूर करती है, क्या इसे सब लोग यूज कर सकते हैं, कि इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, रिजल्ट हमें कितने टाइम में देखने के लिए मिल जाता है। सो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं। मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूं जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ऑनेस्टली आप लोग के साथ शेयर किया है कि जब मैं ये क्रीम यूज कर रही थी तो मैंने क्या क्या चीजें की थी, मुझ पे इस क्रीम ने कैसे वर्क किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ये क्रीम इन जनरल कैसे वर्क करती है, अगर आप इसे लगाना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, कैसे इसका एप्लीकेशन रखना है कि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बट बिफोर गोइंग देयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल जिससे आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल कॉन्टेंट मिलता रहे। लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि ये क्रीम होती कौन सी है, क्या ऐसा इस क्रीम में होता है कि ये हमारी स्किन पे वर्क करती है। सो ये क्रीम रेटिनॉल का ही एक फॉर्म होती है एंड यू ऑल नो रेटिनॉल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। प्लस इस क्रीम के कॉम्पोजिशन इतना अच्छा है कि इसको अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल या ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस क्रीम के एप्लीकेशन के बाद 110% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, जिसकी वजह से ये क्रीम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यही मेन रीजन भी है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो लोग जो इन जनरल इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक गाइड करने वाला वीडियो मिल जाए कि अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से स्टार्ट करें। नाउ सेकेंड बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है कि ये क्रीम वर्क कैसे करती है। नाउ हमारे स्किन में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन और डिफरेंट रीजन वो बहुत ज्यादा स्टिकी होने लगते हैं, जिससे वो स्टिकनेस से आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें डर्ट आ जाती है एंड हमारे पोर क्लॉक होने लगते हैं और वही आगे चल के एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सेल्स की स्टिकनेस होती है वो इस क्रीम के एप्लीकेशन से कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उतना रहता है जितना जरूरत है, जिसकी वजह से जो हमें रैपिडली एक्ने या पिंपल्स हो रहे होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। लेस ये आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से अगर आपको ब्लेबिशेस वगैरह की या अगर आपको फेस पे कहीं भी पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है तो वो भी धीरे धीरे इस क्रीम से सही होने लगती है। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि इस क्रीम को यूज कैसे करना है, क्योंकि क्रीम तो अच्छी है, वर्क भी करती है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम मेन आती है इसके एप्लीकेशन पे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली है ये एक केमिकल बेस्ड क्रीम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपनी स्किन पे कुछ लगा रहे हैं जो कि केमिकल बेस्ड है तो उसको लगाने का तरीका सही हो। प्लस अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है तभी आप ये क्रीम यूज कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन एकदम सही है तो आप इसको क्यों यूज करेंगे? उस टाइम पे जब आपको एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन कुछ भी हुआ है तो हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके ऊपर अगर हम कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम उसकी स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसे बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए, ज्यादा पावर वाला ले लेंगे तो स्किन उसको अडेप्ट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर आप सबको देना चाहती हूँ, मैंने ये क्रीम तभी यूज की थी जब मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। आप अगर चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि ये केमिकल बेस्ड क्रीम है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको तभी यूज करें जब आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको इसका कितना डोज लेना है। और अगर आप खुद से अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो इसकी सबसे कम डोज वाली ट्यूब आप उससे स्टार्ट करिए। प्लस जब आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, मैं इसे रोज अप्लाई करती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही बोला था। तो भी आपके डॉक्टर ने जैसे कहा है आप ऐसे ही अप्लाई करिए। अगर आप इसे खुद से लगा रहे हैं तो अब मैं ये कहूंगी कि आप इसे ऑल्टरनेटिव पहले रखिए, एक दिन लगाइए, फिर एक दिन छोड़ दीजिए, फिर एक दिन लगाइए, ऐसे कर करके आप अपने स्किन में इसको धीरे धीरे अडेप्ट करवाइए।
आप किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें कितना लगाना है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा, सब कहते हैं कि आपको पी साइज लेना है, ये बात एकदम सही है। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना है। ज्यादा लगाने से इफेक्ट जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी स्किन को ये डैमेज करेगा। सो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत होती है। अगर आपको नोज के अराउंड ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तब तो आपको और ही कम, एक डॉट के जितना बस क्रीम लेनी है और आपको अपने पूरी नोज पे इसे अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट बात आती है कि आपको इसे कब लगाना है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात में लगाएं, क्योंकि इसको लगाने के बाद सन का एक्सपोजर आपकी स्किन को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। रात में लगा के इसको सो जाएंगे, सन का एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। रात में ये आपकी स्किन पे सबसे अच्छी तरीके से काम करती है, सो आपको इसको रात को ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको किस बात का ध्यान देना है कि जब आप ये क्रीम अप्लाई कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन पे मत लगाइए, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, हम ऑलरेडी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं जो कि इस क्रीम में है। तो इसके साथ कोई और सीरम, फेशियल ऑयल या कोई ऐसी क्रीम जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है मत यूज करिए। नॉर्मल जो आपका स्किन केयर है, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, यही टू स्टेप आप स्किन केयर रखिए और साथ में आप इस क्रीम को रात में अपने नाइट टाइम स्किन केयर में इंक्लूड कर लीजिए। नाउ फोर्थ और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि ये क्रीम आपकी स्किन को ड्राई करती है। सो जब आप ये क्रीम अप्लाई करें तो आपको ध्यान देना है कि आप अंडर आई पे इससे अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अंडर आई की एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। प्लस ये क्रीम आपकी स्किन को ऐसे भी थोड़ा सेंसिटिव बना देती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंडर आई की एरिया में इसको अप्लाई ना करें। जब आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे सो आई वुड से विद इन अ वीक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फेस की कौन सी एरिया है जो इसको लगाने के बाद आपको ज्यादा सेंसिटिव लग रही है। तो मैं अंडर आई पे और अपने अबव द लिप पे इसको अप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि मेरी यहां की एरिया और अंडर आई की एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती थी जिससे कि वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे, एंड बाकी पूरे फेस पे मैं ट्रेटिनो क्रीम लगाती थी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद स्किन श्रेड होती है। तो इसका आंसर है यस, थोड़ी सी स्किन श्रेड होती है। मैं भी जब ये क्रीम अप्लाई कर रही थी तो मेरे यहाँ पे स्किन निकल रही थी, पर वो ऑलरेडी डेड स्किन होती है, क्योंकि आपके एक्ने और पिंपल की वजह से वो स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई होती है। तो उसका निकल जाना ही अच्छा होता है, वो सारी स्किन हट जाती है, बाद आपकी फ्रेश स्किन आती है जिसकी वजह से आपका फेस ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन से फ्री हो जाता है। आपको परेशान नहीं होना है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो होगा, उसके बाद ही आपकी नॉर्मल अच्छी हेल्दी स्किन वापस आ जाएगी। सो इस क्रीम को आप जैसे जैसे यूज करेंगे आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा हो रहा है और आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जितने भी एक्ने पिंपल हैं वो सब दूर हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस क्रीम की है कि जब आपको एक्टिव एक्ने या पिंपल हैं उस पर आपने ये क्रीम लगाना स्टार्ट किया, ये क्रीम ऐसे वर्क करती है कि आगे चल के ये आपकी स्किन पे स्कार नहीं पड़ने देती है, क्योंकि मार्क फिर भी ठीक हो जाते हैं, स्कार स्किन से नहीं जाते हैं। जब मैंने इसको यूज किया था उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव पिंपल हुए थे एंड मुझे लग रहा था कि मेरे स्किन पे स्कार पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे स्किन पे कोई भी स्कार नहीं पड़ा। सो इस क्रीम को एक्टिव पिंपल पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपके स्किन पे स्कार नहीं पड़ेगा, मार्क रहता है पर वो बाय द टाइम चला जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका रिजल्ट हमें कितने टाइम में देखने के लिए मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 weeks यानी एक महीने में हमें दिखने लगते हैं थोड़े बहुत रिजल्ट, जो हमारे ऑलरेडी एक्ने पिंपल होते हैं वो ड्राई आउट होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समय लग सकता है। सो आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि मुझे तो एक महीना यूज करते हुए हो गया है तो मुझे क्यों नहीं इसका असर दिख रहा है। किसी को 2 महीने 2.5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये क्रीम अच्छी है, वर्क करती है। तो अगर आपने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से, धीरे धीरे ही सही लेकिन ये आपकी स्किन पर वर्क जरूर करेगी। सो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे लगता है ट्रेटिनो क्रीम से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी मैंने इस वीडियो में आपको वो सब बता दिया है। एक्ने एंड पिंपल से जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि दवा अपनी जगह ठीक है, क्रीम अपनी जगह ठीक है, लेकिन डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जो खाते हैं कहीं ना कहीं वही आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे मेरी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट थी और मुझे लगता है 50% उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था एंड 50% मेडिकेशन एंड क्रीम ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था मेरी स्किन को सही करने के लिए। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में ये पूछा भी था कि उन्हें कैसी डाइट रखनी चाहिए, मेरी डाइट क्या थी। अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर वीडियो बना के आपको गाइड करूंगी कि अगर आप एक्ने पिंपल से सफर कर रहे हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंजॉय इट वेल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने अपना इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप प्लीज वहां भी जाइए मुझे फॉलो करिए।
मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।